नमस्कार, मेरा नाम रंजय कुमार सिंह है। मैं दो विषयों से स्नातकोत्तर हूँ, साथ ही मैं व्यवसायिक योग्यता में डीएड किया हुआ हूँ। मेरी पद स्थापना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विकास खंड प्रतापपुर के अंतर्गत सोनगरा ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला सारसताल में है। मैं यह जो मेरा विद्यालय है, यह सूरजपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर, जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर एवं विकास खंड स्तर से 35 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल्य ग्राम में स्थित है। मेरे यहाँ की समस्या है कि मेरे विद्यालय के जो क्षेत्र है, मेरे विद्यालय के जहाँ मेरे बच्चे मेरे विद्यालय में उपस्थित होते हैं, वो अधिकतर पालक अशिक्षित हैं, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, अज्ञानता है। ऐसी स्थिति में मुझे शुरू में बच्चों में को शिक्षा से जोड़ पाने में, बच्चों को मुझे बताने में, बच्चों को मुझे समझाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और मेरे विद्यालय के बच्चों को बार बार बताने के बाद भी बच्चे का जो आउटपुट होता था वो अच्छे ढंग से नहीं मिल पाता था। मेरे द्वारा काफ़ी मेहनत किया जाता था, लेकिन बच्चों के द्वारा जो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए वो अपेक्षानुरूप नहीं होते थे। ZIIEI के माध्यम से जो प्रशिक्षण हम लोगों को प्राप्त हुए, जो मुझे प्राप्त हुए, उसमें मैं बहुत सी नई नई बातों को स्थानीय स्तर पर शून्य निवेश के तहत जीरो खर्च के माध्यम से जानने का, उसको समझने का, उसको सीखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और जब हम लोगों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद फिर इनका उपयोग जब हम विद्यालयों में किए, तो गजब का बदलाव मुझे देखने को मिला। चूंकि स्थानीय स्तर पर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, बहुत सी स्थानीय स्तर चीज़ों को जानते हैं। ऐसी स्थिति में ZIIEI के माध्यम से जो बताए गए थे शून्य निवेश नवाचार, उनका उपयोग करके मैं बच्चों को जो हमारी शैक्षणिक गतिविधि है, जो हमारी पाठ्य वस्तु है, जो हमारी विषय वस्तु है, उसको बच्चों के समक्ष काफ़ी रुचिपूर्वक ढंग से रख पाने में मैं सफल हो पाया। और मेरा ये मानना है कि जब मैं विद्यालयों में बच्चों के समक्ष इनका उपयोग करके जब अध्यापन कार्य कराया, तो मेरे विद्यालय के बच्चे काफ़ी तेजी से इस बात को, जो हमारी विषय वस्तु है, उसको जानने सीखने लगे और समझने लगे। ZIIEI का जो इनोवेटिव पाठशाला है, जो ऐप है, उसको मैं अभी ऑनलाइन क्लास में भी उपयोग करता हूँ। इसमें जो ग्रिड गेम है, सांप सीढ़ी है, इनका उपयोग करके मेरे विद्यालय के बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे विद्यालय के जो इन ऐप का उपयोग करके, अपने मोबाइलों में डाउनलोड करके, उसका उपयोग करके, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो विषय वस्तु है, जो छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तक निगम की जो लिखित पाठ्य वस्तु है, उसका लाभ ले करके अपना ज्ञान को बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चे जब स्वयं करके सीखते हैं, गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत तेजी से सीखते हैं, और यह उनके ज्ञान में, यह उनके मस्तिष्क में ज़्यादा दिनों तक रहता है। जो इनोवेटिव पाठशाला की जो ऐप है, उसका उपयोग करके बच्चे बहुत ही अपने ज्ञानों को बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। जो हमें ZIIEI के माध्यम से जो प्रशिक्षण विकास खंड स्तर पे एवं संकुल स्तर पर दिए गए, ये प्रशिक्षण भी बहुत लाभकर रहे, क्योंकि बहुत से संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उनका उपयोग सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में शून्य निवेश जीरो खर्च पर जो हम लोगों को नए, जो नई नई गतिविधियां हैं, जो नए नए चीज़ें हैं, वो जानने का अवसर मिला। और जब इसका उपयोग हम अपने विद्यालयों में किए, मुझे कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि इसका उपयोग करने के बाद मेरे विद्यालय के बच्चे काफ़ी तेजी से, बहुत अच्छे ढंग से अपने ज्ञान को बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। और मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं पहले मेहनत करता था, उससे कम मेहनत कर करके मैं बच्चों को ज्ञान को बढ़ाने में सफल हो पा रहा हूँ। यह सब जो प्रशिक्षण हुए, उनके माध्यम से जो नई नई चीज़ें हैं, वह सब जानने को, सीखने को हम लोग को अवसर मिला, उसके माध्यम से मैं ऐसा कर पाने में, ऐसा कह पाने में सफल हो पा रहा हूँ। वास्तव में जो मेरी समस्या थी, जो बच्चों को कैसे हम सरल तरीके से बच्चों को सिखाएं, बच्चे हमारी बातों को कैसे आसानी से समझें और साथ में उसका व्यवहारिक जीवन में अपने उपयोग करें, इन सब चीज़ों को शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से, ZIIEI के जो विभिन्न प्रकार के
जो प्रशिक्षण हुए, जो विभिन्न प्रकार से सीखने के अवसर मिले, जो ऐप हुए, उनका उपयोग करके यह सब कर पाने में हम सफल हो पा रहे हैं। जो मेरी समस्या थी कि जो मेरे विद्यालय के बच्चे थोड़ा देरी से सीखते थे, रुचिकर नहीं होता था, वो सब हम करके रुचिकर बना करके बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। मेरा विद्यालय चूंकि आदिवासी बहुल्य विद्यालय है, जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, फिर भी JEE के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं अपने विद्यालय में काफ़ी अच्छे ढंग से, जब उसको जीरो निवेश नवाचार को लागू किया, बहुत सी नवाचारों को जब मैं उपयोग किया, तो मेरे विद्यालयों के बच्चों के सीखने की जो गति है, मेरा विद्यालय जो है वो जिले स्तर पर, विकास खंड स्तर पर एक रोल मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। ऐसा करने से मेरे विद्यालय के बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी सफल हो पाए हैं। मुझे पालकों का भी सहयोग मिलता है, मेरे पालक भी शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से, JEE के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षणों का उपयोग करके जब मैं कार्य किया, तो मुझे पूरी सहयोग कर रहे हैं, और मेरे विद्यालय के बच्चों की जो सीखने की गति, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि JEE के माध्यम से जो प्रशिक्षण हमें प्राप्त हुए, उन प्रशिक्षणों का उपयोग करके हम बच्चों को एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे पाने में सफल हो पा रहे हैं। मैं जो हमारा विद्यालय है, उस विद्यालय को मैं रोल मॉडल विकास खंड स्तर पर, जिले स्तर पर मानता हूँ, और मैं साथ ही श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। धन्यवाद सर।